वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स द्वारा, मानव शास्त्रियों द्वारा मानव शास्त्र क्या है इसको परिभाषित करने का प्रयास किया, और उसमें पाया कि अलग अलग मानव शास्त्रियों ने इसे अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था, सामाजिक मानवशास्त्र मानवशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। पूर्व शिक्षित और आदिम मीन्स प्रिमिटिव सोसाइटी। सामाजिक मानवशास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्थाएं सोशल इंस्टीट्यूशन एवं सामाजिक व्यवहार सोशल बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में जैसे परिवार, नातेदारी, राजनीति, संगठन, कानूनी विधियां, धार्मिक पूजा पद्धतियां इत्यादि का और ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। इन सब का अध्ययन समकालीन या ऐतिहासिक दोनों ही समाजों का करता है, इस प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट, इस प्रिमिटिव सोसाइटी एज वेल एज मॉडर्न सोसाइटी। सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः उनके संस्थागत स्वरूपों में समकालीन या ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क, मनुष्य और उसके कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मीन्स इट इज अ साइंस ऑफ मैन, और नो डाउट साइंस ऑफ मनुष्य के साथ साथ उसकी क्या, उसकी कार्य, उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हालांकि ये कार्य और व्यवहार आधुनिक समाज की बात करें या हम आदिम समाज की बात करें, दोनों ही समाजों का अध्ययन करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि तो यह तुलनात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान भी कहा जाता है। इसलिए इसको एसएम नाडेल ने कहा था, सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्य को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्थाओं को जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं को समझना है। अब इन्होंने सिर्फ इसको कहाँ तक सीमित कर दिया, आदिम समाजों तक। इसलिए जस्ट इसके विपरीत में एम एन श्रीनिवास ने ये कहा था कि सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था इट इज़ अ कंपेरेटिव स्टडी। अच्छा, कंपेरिजन किसके मध्य होता है, आदिम समाजों के बारे में और सभ्य समाजों के बारे में, ऐतिहासिक समाजों के बारे में। तो उन्होंने ये कहा आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम सभ्य एवं ऐतिहासिक समाज, सभी समाज, सभी प्रकार के समाज आते हैं और इनका अध्ययन किया जाता है। तो जब अलग अलग मानव शास्त्रियों ने, सामाजिक मानव शास्त्रियों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, तो हमने कुछ सर्टन जनरलाइजेशन कंसेंस, एक आम सहमति ड्रॉ करने का प्रयास किया है, जिसके द्वारा हम एंथ्रोपोलॉजी को और तरीके से समझेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। मानव शास्त्र मानव जाति की उत्पत्ति, शारीरिक और सामाजिक विकास, जैविक विशेषताएं और सामाजिक रीति रिवाज विश्वास का विज्ञान है। इट मीन्स व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एज वेल एज सोशल इवोल्यूशन, उद्विकास। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कैसे सिंगल सेल से मानव शरीर आज जो मैंने कई बार, मैं जब क्लास में लास्ट हमारे बीए पार्ट वन में जब लेक्चर होते थे, मैं कई बार कहती थी मीन्स कैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनता है, इवोल्यूशन में सरल से जटिल की ओर डेवलपमेंट होता है। तो कैसे एक सिंगल सेल से मानव शरीर का निर्माण होता है जिसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं,
रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, और सभी सिस्टम इंडिपेंडेंटली एंड इंटरडिपेंडेंटली वर्क करते हैं टू रन द होल बॉडी, पूरे शरीर को चलाने के लिए। वैसे ही कैसे सामाजिक उद्विकास मीन सोसाइटी जिसमें आज हम रह रहे हैं, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। इसलिए अरस्तु ने बहुत अच्छी बात कही थी, द पर्सन हु स्टेज द ह्यूमन बींग हु लिव्स विदाउट सोसाइटी इज आइदर अ गॉड और अ बीस्ट, या तो वह भगवान है या वह पशु है, तो जो नहीं रह सकता है। इट मीन्स वी लिव इन द सोसाइटी एंड सोसाइटी इज एसेंशियल फॉर अस, बिना उसके हम रह नहीं। आपने अभी देखा होगा लॉकडाउन में आप जब बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो कई लोग बड़े मानसिक अस्वस्थ हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स फेस कर रहे हैं, घर में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बिकॉज वी नेव हमें बहुत ज़रूरत है लोगों से इंटरेक्शन करने से, टू मूव आउटसाइड एंड इंटरेक्ट विद अ डिफरेंट पीपल, सिर्फ परिवार के साथ नहीं, अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने मित्र मंडली, अन्य अपने वर्किंग प्लेस पे, इन सभी के लिए हमें समाज की आवश्यकता होती है, और बिना इंटरेक्शन के हम रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो ये समाज जो शून्य से, शून्य मीन्स फ्रॉम वेरी सिंपल फ्रॉम इस ओरिजिनेशन का मतलब यहाँ क्या है, जब मनुष्य एशियाटिक सोसाइटी में प्रारंभिक अवस्था में जब झुंड बनाकर भी नहीं रहता था, तब से लगाकर आज जिस स्तर पर सभ्य समाज पहुंचा है, उसकी जो अवस्थाएं हैं विकास की, उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सेकेंड पॉइंट हमारे सामने है, इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग सिमिलरिटी टू एंड डाइवर्जेंस फ्रॉम द अदर एनिमल, मीन्स यह मानव की समानता और पशुओं से विभिन्नता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इट मीन्स मानव की समानता का मतलब यहाँ ये है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सिमिलर है, फ्रॉम आईक्यू लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हो डिफरेंट है, थोड़ा नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को थोड़ा देर से होता है, कोई एडजस्टमेंट जल्दी कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, हर एक का अपना आईक्यू लेवल होता है, बट फिर भी देयर इज सर्टन सिमिलरिटी कि सबके दो आँख है, एक नाक है, मुँह है, हाथ पाँव है, सारे अलग सिस्टम्स हमारे, जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब मनुष्य में होता है, बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल सिमिलरिटी भी है। सोशल सिमिलरिटी कैसे है कि आपको अकेले रख दिया जाए, कोई मनुष्य नहीं रहता है। मैंने एक बार आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बच्चा था जो कि रामू भेड़िया, जो कि जिसको छोटे बचपन में ही जो है भेड़िए के झुंड ने उठा के ले गए थे जंगलों में, एंड ही डिडंट टर्न टू अ सोशल बींग, वह बिल्कुल भाषा मतलब वो मनुष्य को देख के डरने लगा, जब वो मनुष्य द्वारा किसी ने जब जंगलों में लोग गए थे किसी काम से और जब उसका पता लगा और जब उसको सोसाइटी में लेके आए थे, ह्यूमन सोसाइटी में लेके आ गए, तो वो बड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा, क्योंकि उसने कभी मनुष्य को देखा ही नहीं था, वो भाषा जानता ही नहीं था, वो बिल्कुल भेड़ियों की तरह चलता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य में समानता ही है, और ये समानता एक बायोलॉजिकल एंटिटी जो है वह मनुष्य को मनुष्य बनाती है सोसाइटी में रहकर। मैन, इसलिए मैं कहता मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन, मनुष्य मनुष्य के बीच में ही रहकर मनुष्य बनता है। अब यहाँ मनुष्य बनने का मतलब क्या है, भाषा जानना, संस्कृति जानना, अन्य चीज़ें जानना जो कि पशुओं से उसको भिन्न करती है। क्या यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, पशुओं से भिन्नता, पशुओं से भिन्नता क्या चीज़ है जो पशुओं से भिन्न करती है, दैट इज तो जी मनुष्य को पशुओं से भिन्न करने वाला है वह है संस्कृति। और संस्कृति एक कल्चर, जैसा कि हर्ट्ज कोविट्स ने बताया था, कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, किसने बनाया है, मनुष्य ने, पशु चूंकि संस्कृति नहीं बनाई है इसलिए वह मनुष्य से भिन्न है। और जैसे आपने देखा होगा कई बार एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह की संस्कृति से भिन्न होती है, क्योंकि वो अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की होती है। फिर ये कहते हैं कि यह मनुष्य और उसके कार्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनुष्य और उसके कार्य, मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्थाएं, मनुष्य द्वारा बनाए गए संगठन,
चाहे हम राजनीतिक संगठन की बात करें, चाहे हम आर्थिक संगठन की बात करें, चाहे हम दार्शनिक संगठन की बात करें, चाहे हम धार्मिक संगठन की बात करें, जो भी संगठन बनाए गए हैं मनुष्य द्वारा और जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं, और जो मूलभूत संस्थाएं जो है परिवार और विवाह, ये मूलभूत संस्थाएं जो है वो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, तो उसका अध्ययन करने वाला ये विज्ञान है। चौथा ये कहता है कि मानव शास्त्र दार्शनिक मानव शास्त्र भी कहलाता है। दार्शनिक मानव शास्त्र क्यों कहलाता है? क्योंकि ये मनुष्य के स्वभाव को, मनुष्य की मूल वस्तु को का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, मनुष्य के नेचर को जानने वाला विज्ञान है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मानव शास्त्र मनुष्य एवं उसके विभिन्न आयामों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हैंस इट इज वेरी वेल डिफाइंड साइंस विच टेल्स अस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ मैन, वेरियस एस्पेक्ट्स विच इज बोथ फिजिकल एंड कल्चरल फ्रॉम द टाइम ऑफ ओरिजिन टिल प्रेजेंट डे। ओरिजिन से लगाकर आज, ओरिजिन मतलब जब से शुरू हुआ, प्रारंभिक अवस्था से लगाकर आज तक जो भी विकास हुआ है मनुष्य का, चाहे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और चाहे हम कल्चरल या सोसाइटी सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर हम थोड़ा सा इसके शाब्दिक अर्थों पर आएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो है, जैसे हमारे सोशियोलॉजी जब हम लास्ट ईयर पढ़ रहे थे, समाजशास्त्र समाज सोशियो और शास्त्र लोगस, वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी भी जो दो शब्द से मिलकर बना है, दोनों ग्रीक वर्ड है, एंथ्रोप्स मीन्स मैन एंड लोगस मीन्स साइंस। तो ये